जो 10,000 का फिगर भी क्रॉस कर चुके हैं। जो कल से परसों रिपोर्ट आई थी कि 10,000 तक चीनी जाएगी, तो वो रिपोर्ट कन्फर्म हो चुकी है और चीनी 10,000 तक पहुंच चुकी है और कुछ मिल हैं जो 10,000 क्रॉस कर गए हैं। तो कौन सी मिल है उनके रेट के बारे में आपको अपडेट कर देता हूँ। मेरे पास तकरीबन 10 से 12 मिल के आपको मौजूद है रेट, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और इंशाल्लाह जो वीडियो रेगुलर वीडियो होगी वो 6 के बाद ही अपलोड होगी चीनी के बारे में, क्योंकि सारा दिन जो शुगर मिल्स हैं वो अपना रेट जारी करती रहती हैं। तो शाम तक ये तकरीबन सारे जो 70 से ज़्यादा मिल है इनके रेट मिल जाते हैं और शाम को मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो ये जल्दी में वीडियो बनाएं, क्योंकि जो 10,000 की जो मिल क्रॉस कर गए उनके रेट बताना आपको लाजमी थे कि 10,000 तक कौन सी मिल पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भलवाल का बता दूँ कि भलवाल जो है वो 10,000 तक पहुँच चुकी है और उसका जो मौजूदा रेट होता है मिल रहा है JW है। बाकी जो उनके रेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ उनके आप क्या रेट हैं। और जो रेगुलर वीडियो इंशाल्लाह 6 के बाद ये प्रोडक्ट और तमाम जो शुगर मिल उनके रेट उस टाइम आपको अपडेट कर दूंगा। ये 10-15 रेट है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। और जैसे आपको भलवाल की जी अपडेट देनी थी कि भलवाल 10,000 तक पहुँच चुकी है, बाकी भी पीछे भी 95-96 रेट चल रहा है और स्क्रीन पर मैं आपको रेट दिखा देता हूँ कि दूसरे मिल के अब क्या रेट है। चलते स्क्रीन पर, स्क्रीन पर मैं आपको रेट दिखा देता हूँ। ढेरकी 9,450 रुपये, सांगड़ 9,650 रुपये, जौराबाद 9,825 रुपये, ये भी 10,000 क्रॉस कर जाएगी। नूर जो है वो भी तकरीबन 9,850 रुपये, किसान 9,700 रुपये, पॉपुलर 9,700 रुपये, बांदी 9,600 है, आर्मी 9,500 है, कमालिया 9,600 है और कश्मीर 9,600 रुपये है। तो उसके बाद JDW जो है 9,465 रुपये, यूनाइटेड 9,465 है, इत्तेहाद 9,480 रुपये और हमजा 9,500 रुपये है। तो ये जो मिल्स हैं इनके ये रेट हैं और शाम को जो तकरीबन 6 बजे तक ये सारी मिल्स के रेट आ जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रिपोर्ट यही आ रही है कि तमाम मिल जो हैं 10,000 क्रॉस कर जाएंगे और कुछ मिल जो हैं वो उन्होंने अपनी सेल भी रोकी हुई है। तो वो कौन सी मिल इंशाल्लाह शाम को आपको अपडेट कर दें, जाना को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे।